आजकल सोया चाप की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग इसको हेल्दी स्नैक मान रहे हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि ये सोयाबीन फ्लोर से बना है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं उनके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जा रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा है? आज हम इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोया चाप एक हेल्दी स्नैक है या फिर एक जंक फूड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोया चाप बनता कैसे है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो सोया चाप में 60% सोयाबीन फ्लोर, सोयाबीन का आटा, 40% मैदा और कुछ मात्रा में नमक, चीनी, रिफाइंड ऑयल, ग्लूटन, स्टार्च, ये सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन फ्लोर की। तो ये कारण बन सकता है स्टमक में इरिटेशन का, पर्सन को ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और सोया में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। तो जब आयोडीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, उस पर्सन को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या जिन लोगों को एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, या फिर जो फीमेल्स पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है मैदा, रिफाइंड फ्लोर, जो कि 40% की मात्रा में पाया जाता है। तो मैदा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कितनी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली हमारी गट को अनहेल्दी बनाती है, ओबेसिटी और डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाती है। सोया चाप में बाइंडिंग लाने के लिए और उसका टेक्सचर बेटर करने के लिए इसमें ग्लूटेन मिलाया जाता है, जो कि कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकता है। और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल और कई चाप में एसिडिटी रेगुलेटर्स भी मिलाए जाते हैं। अभी तक जो हमने बात की ये हम रॉ चाप की बात कर रहे हैं। जब इसको डिश को प्रिपेयर किया जाता है तो अगेन इसमें सॉल्ट भी मिलता है, अनहेल्दी ऑयल्स, हैवी क्रीम्स, मसाले सब डाले जाते हैं, जो कि सोया चाप को और ज़्यादा अनहेल्दी बना देते हैं। तो इस सारे एनालिसिस के पीछे मेरा सिर्फ यही पर्पस था, एक अवेयरनेस लाने का कि हम इसको टेस्ट के लिए तो खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी ऑप्शन मान के हम इसको ओवर कंज्यूम करना ना शुरू कर दें और अननोइंगली हम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप थोड़े से अवेयर खुद भी हो जाइए और लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो भी अवेयर हों और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।